जी हाँ, प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं जमात दी इंग्लिश दी किताब रेनबो ऑफ इंग्लिश सेक्शन सी लेसन नंबर 5 दी बाबर्स ट्रेड यूनियन अर्थात नाई दी ट्रेड यूनियन क्वेश्चन आंसर सेक्शन 1 दे पहले 10 क्वेश्चंस जड़े ने इस वीडियो विच असी करन जा रहे हां। सो तुसी नोटबुक ते पेन ले लो, सारे आंसर्स नु नोट डाउन कर लो ते एक्सप्लेनेशन नु ट्रांसलेशन नु बड़े ध्यान दे नाल सुनो और बाद विचों सारे आंसर्स नु घट तो घट एक बारी बिना देखे अपने आप करने का अभ्यास तुसी जरूर करना है। सो शुरू करिए। सो सेक्शन 1 कहते आंसर दी फॉलोइंग इन 10 to 15 वर्ड्स ईच। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज दी एज डिफरेंस बिटवीन चंदू एंड दी नरेटर। नरेटर मैंने राइटर या बयानकर्ता जरा लिखारी हैगा है, तो चंदू के विचला उम्र का किन्ना फर्क सी। सो जवाब है दी एज डिफरेंस बिटवीन चंदू एंड दी नरेटर वाज 6 months, 6 महीने का फर्क सी। ते नाल लिख दो चंदू वाज ओल्डर अर्थात चंदू जड़ा सिगा वो राइटर तो बयानकर्ता तो नरेटर तो तकरीबन 6 महीने वड्डा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डिड द नरेटर कंसीडर चंदू द एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन फॉर हिम। परफेक्शन होंदा संपूर्णता, एम्बॉडीमेंट का मतलब होंदा मुजस्मा या प्रतीक या पुंज अर्थात जड़ा नरेटर सी बयानकर्ता सी वो चंदू नू संपूर्णता दा पुंज क्यों मनता सी, संपूर्णता दा मुजस्मा क्यों समझता सी, ओदे लिए वो एक नायक या हीरो क्यों सी। सो जवाब है दी नरेटर कंसीडर चंदू दी एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन फॉर हिम बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज एबिलिटी ओदी समर्था टू मेक बनाने दी एंड फ्लाई उड़ाने दी पेपर काइट्स कागज दियां गुडियां केड़ियां ऑफ इंट्रीकेट डिजाइन्स। इंट्रीकेट मैंने दे गुंझलदार डिजाइन दियां एंड बैलेंस संतुलन दियां विच दी नरेटर कुड नेवर अचीव, जो कि जड़ा नरेटर सी बयानकर्ता सी वो कदी भी इस प्राप्ति नु प्राप्त नहीं कर सकता सी अर्थात वो तो छोटे बच्चों की गल कर रहा है। चंदू भांत भांत के डिजाइना दियां ते संतुलित कागज दियां गुडियां पतंगा बना सकता सीगा, उस समर्था सीगी, ते जिहड़ा नरेटर सीगा वो तो 6 महीने छोटा सीगा, वो इस काम च इन्ना माहर नहीं सीगा ते उहदे कोल नहीं बना हुंदियां सीगियां ते इस करके चंदू नू एक बड़ा उच्चे रुतबे ते बैठा होया इम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन अर्थात उहनू संपूर्णता दा पुंज समझदा सी, उहनू समझदा सी कि बड़ा गुणवान हैगा। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई वाज चंदू नॉट गुड एट डूइंग सम्स एट स्कूल। चंदू जिहड़ा सीगा वो स्कूल विखे जिहड़े सवाल कढणे ने ओहदे विचों वधिया नहीं सीगा, क्यों? हुण इत्थे गल थोड़ी दूजी हैगी है, वो गुडियां उडाण च बहुत होशियार सी पर सवाल कढ़ने विच होशियार नहीं सीगा। ठीक है, सो जवाब है चंदू वाज नॉट गुड एट डूइंग सम्स एट स्कूल, मतलब चंदू चंगा नहीं सीगा स्कूल दे सवाल करने विच बिकॉज क्योंकि ही हैड नो टाइम टू डू हिज स्कूल होमवर्क, क्योंकि ओहदे कोल स्कूल दा दित्ता होया घर दा काम जिहड़ा करन लई समां नहीं हुंदा सी। क्यों नहीं हुंदा सी? एज हिज फादर सेंट हिम एज एन अप्रेंटिस, क्योंकि ओदे फादर ने उन्हों एक ट्रेनी दे दौरान भेजिया सी टू लर्न सीखने लई दी हेरिडिटरी। हेरिडिटरी होंदा बच्चे जद्दी पिता पुरखी। प्रोफेशन मैंने कामकार ऑफ हेयर कटिंग, क्योंकि वो नाई सी, नाई दी जात विचों सीगा। सो मली वाल कट्टन दा हजामत करन दा जो कम हैगा है, जद्दी पुरखी वो सीखने लई उन्हों ट्रेनिंग लैण लई ओदा प्यो उन्हों भेज दिंदा सीगा, पढ़ाई वाले पासे तवज्जो नहीं दिंदा सीगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई डिड द नरेटर्स मदर कॉन्स्टेंटली डिसवेट। जड़ी राइटर दी माँ सीगी कॉन्स्टेंटली मैंने लगातार बिना रुके बार बार डिसवेट मैंने होंदा है किसी गल तो वर्जना रोकना। डिसवेट दा दूजा शब्द है विरोधी शब्द है परसुएड। परसुएड होंदा है किसी नू कोई कम करन लई मनवा लेना ते डिसवेट होंदा है इहदा ऑपोजिट कम तो रोकना। हिम टू प्ले विद चंदू अर्थात नरेटर दी माँ बयानकर्ता दी माँ चंदू अपने मुंडे नू नरेटर नू चंदू दे नाल खेडण लई बार बार क्यों रोकदी सी। ठीक, सो जवाब है दी नरेटर्स मदर कॉन्स्टेंटली डिसवेडिड, डिड है ना, सो डिसवेड दा बन गया डिसवेडिड हिम फ्रॉम प्लेइंग विद चंदू बिकॉज ही वॉज अ लो कास्ट बार्बर सन। क्योंकि ये बच्चों ये जड़ी कहानी है यह साढ़े हिंदुस्तान की है, तो तुम्हें पता है कि हिंदुस्तान जो सा देश है एक बड़े वे कोड़ तो पीड़ित है और वह कोड़ है जात पात का।
ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਈ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੋਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਵਰ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਰੇਟਰ ਦੀ, ਬਿਆਨਕਰਤਾ ਦੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਵਟ ਡਜ਼ ਦੀ ਨਰੇਟਰ ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਚੰਦੂਜ਼ ਡਰੈਸ। ਨਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਚੰਦੂ ਵੋਰ ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਰਟਸ, ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਨਿਕਰਾਂ, ਅਫਰੇਡ, ਫਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਘਿਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੈਕ ਵੈਲਵੇਟ ਵੇਸਟ ਕੋਟ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੇਸਟ ਕੋਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਲੀਵਲੈਸ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੈਕਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕੋਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 3 ਪੀਸ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਟ, ਕੋਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਕੋਸਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਸਟ ਕੋਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਸਲੀਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕੋਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਵਿਦ ਸ਼ੈਲ ਬਟਨ, ਸ਼ੈਲ ਬਟਨ ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਸੀਗੇ ਡੈਕੋਰੇਟਡ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਲ ਵਰਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਬਟਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਟਨ ਸੀ, ਐਂਡ ਰਾਊਂਡ ਫੈਲਟ ਕੈਪ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਚੰਦੂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਸਟ ਕੋਟ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੇਸਟ ਕੋਟ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਵਟ ਡਿਡ ਚੰਦੂ ਟੈਲ ਦੀ ਨਰੇਟਰ ਅਬਾਊਟ ਕੱਲਨ ਖਾਨਸ ਅਪੀਅਰੈਂਸ। ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਮੈਨੇ ਦੇਖ, ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੱਲਨ ਖਾਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਬੜਾ ਨਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਚੰਦੂ। ਕੱਲਨ ਖਾਨ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ, ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਕੱਲਨ ਖਾਨ ਵਾਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਮੈਨ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਵਿਦ ਹੇਅਰ ਪਾਰਟਿਡ ਔਨ ਵਨ ਸਾਈਡ। ਪਾਰਟਿਡ ਮੈਨੇ ਚੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਚੀਰ ਗੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਡਰੈਸਡ ਇਨ ਅ ਸਟਾਰ ਸ਼ਰਟ, ਸ਼ਰਟ ਮੈਨੇ ਝੱਗੀ, ਝੱਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਮੈਨੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਕਮੀਜ਼, ਵਿਦ ਐਨ ਆਈਵਰੀ ਕਾਲਰ। ਆਈਵਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਮ ਰੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੱਖਣੀ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਵਰੀ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਵਰੀ ਕਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਟ ਦਾ, ਐਂਡ ਬੋ ਟਾਈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਬੋ ਟਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋ ਟਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਟਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋ ਟਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋ ਟਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਬੋ ਟਾਈ ਐਂਡ ਅ ਬਲੈਕ ਕੋਟ, ਇਹ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਾਈਪਡ ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ। ਸਟ੍ਰਾਈਪਡ ਮੈਨੇ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਾਲੇ ਪੈਂਟਾਂ, ਐਂਡ ਅ ਰਬਰ ਓਵਰ ਕੋਟ। ਓਵਰ ਕੋਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੰਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਵਰ ਕੋਟ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਪੰਪਸ, ਹੁਣ ਪੰਪ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸੁਣਿਆ, ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਪ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਪਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ, ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਪਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੈਲੀ ਵਰਗੇ ਬੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਪਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੰਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਪੰਪਸ ਮੀਨਸ ਸ਼ੂਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਵਾਈ ਡਿਡ ਵਿਜੇ ਚੰਦ ਦੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਿਜੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਟਰਨ ਚੰਦੂ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਸ ਹਾਊਸ, ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਿਜੇ ਚੰਦ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਵਿਜੇ ਚੰਦ ਦੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟਰਨ ਚੰਦੂ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਸ ਹਾਊਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਡ ਬਰੋਟ ਅ ਲੈਦਰ ਬੈਗ ਆਫ ਕਾਓ ਹਾਈਡ। ਹਾਈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਵਰਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੁਕਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਊਨ ਹੋਵੇ ਹਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਮੜੀ। ਸੋ ਕਾਉ ਹਾਈਡ ਮੈਨੇ ਗਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ, ਤੋ ਲੈਦਰ ਬੈਗ ਮੈਨੇ ਲੈਦਰ ਮੈਨੇ ਚਮੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਲਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੈਕਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ
बड़े सारे लोग जड़े इस गल विश्वास करते हैं, वो ये गलों इन्होंने चीज़ों नहीं वरतते। सो यह कहानी तो बहुत पुरानी लिखी हुई है, उस वेले तो यह प्रभाव बहुत ज़्यादा सके। सो जो चंदू सगा एक चमड़े का बैग लैके आ गया सगा, तो चमड़े का बैग वो गां के चमड़े तो बनया हुआ सगा, इन टू इज हाउस वे घर एंड अ कोट ऑफ सम एनीमल्स मैरो। मैरो आंदा बच्चों हड्डियां दे विच जिहड़ा मिज हुंदा है उन्होंने मैरो कहिंदे ने, ते कोट असीं कह सकदे हां मतलब कि किस्म दी, उत्ते शायद मैनूं लगदा है पुराने जमाने विच जुत्तियां दा जिहड़ा पॉलिश हुंदा सीगा उहदे विच शायद किसी जानवर दी हड्डियां दी मिज वरती जांदी सी। सो ईविल ब्लैक अंग्रेजी शूज, अर्थात अंग्रेजां दे बनाए हुए ईविल माने शैतानी वाले भैड़े गंदे घटिया काले बूट पा के आ गया सीगा जिहड़े अंग्रेजां ने बनाए हुए। ते सम कोट ऑफ एनिमल्स मैरो, और पता नहीं कहिंदे उन्हां उत्ते किसी जानवर की मिज की उत्ते पॉलिश की हुई सी, कोट में अंदर परत चाड़नी या पॉलिश करनी। सो यह गल्लां जिस करके वो एकदम तड़प गया ते उन्हूं गालां कढ़ियां ते उन्हूं बाहर कर दिता। विजय चंद थॉट दैट चंदू वुड डिफाइल हिज रिलीजन बाय दोज थिंग्स। विजय चंद नूं इदां लग्या, उन्हें सोचा कि चंदू जड़ा है वह इन्हां चीज़ों के नाल गां की चमड़ी तो बनया लैदर का बैग ते किसी जानवर की मिज तो बनाई हुई पॉलिश ते उहदे काले बूट जिहड़े सीगे चमड़े दे अंग्रेजां दे जिहड़े बूट बनाए हुए, वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने विजय चंद दे धर्म नूं भ्रिष्ट कर देणियां। डिफाइल हुंदा है कलंकित करना, गंदला करना या भ्रिष्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड दी साहूकार थिंक अबाउट चंदूज वेयरिंग क्लोथ्स लाइक अ डॉक्टर। जदों चंदू ने डॉक्टर वर्गे हस्पताल दे कपड़े पाए ते साहूकार ने उहदे कपड़ियां बारे की सोचा। सो साहूकार थॉट दैट चंदू हैड ड्रेस्ड लाइक अ क्लाउन, क्लाउन उहदा जोकर। उन्हें उन्होंने टिचरां कीतियां, टांचा मारियां, साहूकार ने लग्या कि चंदू ने एक जोकर वांगू कपड़े पाए सी बाय वेयरिंग दी डिफाइल्ड, डिफाइल्ड माने गंदे हुए कलंकित किए हुए क्लोथ्स ऑफ हॉस्पिटल पीपल, हस्पताल के लोगों वालों कलंकित किए उन्हें वाले बूट पाए। ही अब्यूज हिम इन दी फाउलेस्ट वे, फाउलेस्ट माने बड़े गंदे तरीके नाल, सब तो गंदे तरीके दे नाल उन्होंने गंदियां गालां कढ़ियां एंड आस्क हिम टू गो, उन्होंने कहा था उत्थे चला जाए एंड कम बैक इन हिज ओन क्लोथ्स, ते वो अपने कपड़े पा के जिहड़े कपड़े पहला पाउंदा सीगा वो पा के आवे। क्वेश्चन नंबर 9, वाई हैड दी लैंडलॉर्ड समंड पंडित परमानंद। लैंडलॉर्ड जिहड़ा विजय चंद सी, समंड मैंने सदना बुलवाना, पंडित परमानंद नूं जिमीदार ने क्यों बुलवाया सी। सो द लैंडलॉर्ड जिमीदार हैड समंड पंडित परमानंद टू डिस्कस दी अनहोली, अनहोली मैंने अपवित्र, मलीन, एमरजेंसी, विपदा क्रिएटेड बाय चंदू, अर्थात जड़ी एक विपदा अपवित्र क्योंकि वो गां की चम का बनया चमड़े का बैग ते कोट ऑफ सम एनिमल्स मैरो एंड ईविल अंग्रेजी शूज वो पा के आ गया सीगा, ते उहदे उहनूं लग्या कि मेरा धर्म भ्रिष्ट हो गया। सो यह जिहड़ी अपवित्र एक विपदा चंदू ने बना दित्ती सीगी उहदी चर्चा करन लई उहनूं सद्या सी। चंदू हैड सपोजिटली डिफाइल्ड दी लैंडलॉर्ड्स हाउस, चंदू नूं इह मतलब चंद उहनूं इह विश्वास सीगा सपोजिटली मैंने उहनूं इह दिमाग 'च बैठा होया सीगा कि चंदू ने लैंडलॉर्ड जिहड़ा सीगा जिमीदार सी उहदे घर नूं कलंकित कर दिता सी, उहदे घर नूं अपवित्र कर दिता सी बाय एंटरिंग विद अ लैदर बैग ऑफ काउ हाउड एंड ब्लैक इंग्लिश शूज, काले अंग्रेजी शूज पा के जुतियां पा के अते गां दी चमड़ी दा बनया होया चमड़े दा बैग उहदे घर 'च प्रवेश करा के उहने उहदे घर नूं अपवित्र कर दिता सी। वट टाइप ऑफ वोमेन वॉज चंदूज मदर, अर्थात चंदू की माँ किस किस्म की औरत सी। चंदूज मदर वॉज इल नेचर, इल नेचर मैने खिजू टाइप की, यद ऑपोजिट है गुड नेचर, गुड नेचर हों चंगे सुभाव वाली, इल नेचर मैने माड़े सुभाव वाली सी एंड स्टबर, स्टबर मैने जिद्दी किस्म की सी। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अर लो कास्ट स्टेटस, वो अपनी नीवी जात का जो सिस्टम बनया होया वो बारे वो सुचेत सी एंड डेयर्ड, डेयर्ड मैने हिम्मत करती सी टू सी दी अपर कास्ट पीपल एज दे नेवर डेयर टू सी देमसेल्स, तो उन्हें जी वो हिम्मत वाली जनानी सी तो उच्ची जात के लोगों उस नज़र ना देखती सी जिस नज़र के नाल उच्ची जात के लोग अपने आप को देखने की कभी हिम्मत नहीं करते सी, अर्थात वो जानती सी भी ये पखंडी है ने दोगले है ने, तो उन्होंने उस नज़र के नाल देखती सी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा माण सत्कार नहीं दिंदी सी, अर्थात वो उन्होंने शीशा दिखाने की हिम्मत रखती सी जिहड़ा शीशा वो उच्ची जात के लोग अपने आप को देखने की हिम्मत नहीं करते सी। सो ए प्यारे विद्यार्थियों ऐसी थोड़े इस लैसन के पहले 10 क्वेश्चन मैं तुम्हें तो फिर दस्या कि इसी वीडियो के मैं जरा डिस्क्रिप्शन है बॉक्स है उसमें एक जात पात जो लैक्चर तैयार किया
वो मैं पावगा तो तुसी उन्हों भी जरूर सुनना। सो तुसी इसी तरह नेम देना और अनुशासन अपनी पढ़ाई करी चलो ते अगले वीडियो तक ले गुड बाय। थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, रब रखा, थैंक यू वेरी मच।